मेरा नाम थीलू है, मैं थिलम दब्बे के दूध की चाय बनाता हूँ, तभी आए ना तेरे ढाबे पे चाय पीने के लिए। वैसे अगर आपने मुझे देखना है ना तो आप फिर सब्सक्राइब कर लें बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास को, ठीक है? आना है। सोनिया, तुम तंजीला, तुम यहां? हाँ, तुम यहां मुझसे मिलने आई हो? नहीं, मैं फैसल से मिलने आई हूं। फैसल से? फैसल को कैसे जानती? मैं बीवी हूं फैसल की। और मैं तंजीला के साथ रहने को तैयार हूं। हम साथ में बहुत खुश रहेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है साथ रहने में। लेकिन मुझे एतराज है। एतराज? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मैं तुम्हारे साथ या तुम्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हूं। और रहा सवाल बच्चे का, तो तुम इस बच्चे को रख सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसकी लीगल कस्टडी देने को भी तैयार। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो फैसल? ये बीवी है तुम्हारी, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आई, सबसे बढ़कर तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली। तुम्हारे लिए जिंदगी की इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई है और तुम कह रहे हो कि तुम अपना इरादा बदल चुके हो। तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, ये मेरा मसला है। मुझे इसके साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। और तुम क्यों जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही हो? जो शादी मुझे याद नहीं वो निभाने की कमिटमेंट मैं कैसे कर सकता हूं? बेहतर होगा कि तुम यहां से चली जाओ। सोनिया, फैसल, तुमने कितनी आसानी से मुझसे जुड़े अपने ताल्लुक, अपने रिश्ते से इनकार कर दिया। तुम्हें अपनी बीवी, अपनी जिंदगी, अपने सारे रिश्ते मिल गए। मैं अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाऊं, किससे गिला करूं, किसके हाथों पर अपनी जिंदगी की खुशियों का लहू तलाश करूं? हेलो, कुछ पता चला? फैसल की एक और बीवी है, सोनिया। क्या बीवी? फैसल ने उससे शादी दुबई में की थी, अपनी बॉस की बहन के साथ। एक्सीडेंट के बाद जब वो अपनी याददाश्त खो चुका था। लेकिन आतिर का इस बात से क्या ताल्लुक? आतिर साहब इस लड़की के साथ मिलके फैसल को मजबूर करना चाहते हैं कि वो सोनिया को अपनी जिंदगी में वापस अपना ले।
और तंजीला को तलाक दे दूं ताकि आतिर साहब। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। तुम बस नजर रखो और मुझे इन्फॉर्म करते रहो। अरे वाह, तुम उससे हमेशा अपने फायदे का काम कराती हो। तुमने दोस्ती का इतना फायदा उठाया, मेरे हाथ में क्या है? मैं समझ गई, मेरा काम हो जाने दो, फिर जितने पैसे बोलोगे उतने पैसे दूंगी तुम्हें। तो ये बात है, और ये बात आतिर के दिमाग में उस उस्मान ने ही डाली होगी। लेकिन आतिर, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे जीशान से आज ही जाकर बात करनी होगी। सुबह ही सुबह मुझे बुलवा लिया, मैं तो दौड़ी चली आई। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, मेरे लिए तो सब खैरियत है, लेकिन इस मोहल्ले के लिए खैरियत मुश्किल नजर आती है मुझे। क्या मतलब मौलवी साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भाई, जिस मोहल्ले में तंजीला जैसी औरतें होंगी वहाँ खैरियत खाक होगी। कल रात उसका शौहर फिर आया था, फैसल और उसके दरमियान बाकायदा हाथापाई हुई। दस्तो गिरेबान होते हुए देखा है मेरी इन गुनाहगार आंखों ने। मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया था कि किसी तरह से तुम आतिर के पास जाओ। मैं आतिर के पास जाकर क्या कहूंगी? कुछ नहीं, चिंगारी सुलग रही है। तुमने तो सिर्फ जाकर हवा देनी है, फिर देखो कैसे आग भड़कती है। और ये आग किस किस को जलाकर राख कर देगी, अंदाजा नहीं है तुम्हें इसका। मेरी तो नाकिस अकल में ये बातें कहां आएंगी मौलवी साहब, आप ही बताएं ना क्या करना है। सुनो, तुम्हें आतिर के पास जाना है। ये तुमने ठीक नहीं किया फैसल। क्या ठीक नहीं किया? जिसे मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, उसे मैं अपने घर में अपनी जिंदगी में कैसे दाखिल कर सकता हूं? बीवी है वो तुम्हारी, शादी की है तुमने उससे। तुम्हारे एक एक्सीडेंट ने हम सबको रिश्तों की भूल भुलैयों में डाल दिया है, जिनका हर रास्ता एक दूसरे से होकर गुजरता है। लेकिन मैं रिश्तों की इस भूल भुलैयों में नहीं पड़ना चाहता। अच्छा, फिर तो मैं, तुम, आतिर, हम भी तो ऐसी ही भूल भुलैयों से जुड़े हैं। लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ हूं, तो फिर सोनिया क्यों नहीं? तुम्हारा भी सोनिया के साथ ऐसा ही रिश्ता है जिससे अब तुम इनकार नहीं कर सकते। ये सच है कि तुमने उससे शादी तब की जब तुम सब कुछ भूल चुके थे, लेकिन याददाश्त वापस आ जाने पर तुम्हारा उससे निकाह खत्म नहीं हो सकता। वो रिश्ता आज भी कायम है, और सबसे बढ़कर यह कि वो मां बनने वाली है। तुम अपने ही बच्चे को अपनाने से कैसे इनकार कर सकते हो? नहीं अपनाना मुझे अपने बच्चे को, उसकी मां को। सुन लिया तुमने? नहीं अपनाना मुझे उसे। तुम हो मेरी बीवी, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ये बात क्यों कह रही हो, ताकि तुम वापस दोबारा उस आतिर के पास चली जाओ। लेकिन याद रखो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और अब तुम दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करोगी, समझी तुम? मैंने कहा समझी तुम? हाँ।
सुबैदा आंटी ठीक कहती है, तंजीला जो मेरे लिए गले की हड्डी बनी हुई है, उससे छुटकारा पाने के लिए जीशान का सहारा लेना बहुत जरूरी है। अब इस काम में मेरी मदद सिर्फ जीशान कर सकता है। आप जाइए यहां से। क्यों सबके सामने मेरी इज्जत का तमाशा बना रहे हैं? हेलो सर, आपसे मिलने कोई सलमा आई है, कह रही है कि फैसल के मोहल्ले से ताल्लुक है। अच्छा ठीक है, अंदर भेज दो। आप अंदर चली जाए। आप यहां? हां मैं यहां। भाई बहुत ही बुजदिल आदमी हो तुम, हालात ने करवट क्या बदली? तुम तो समझे कि मैं तो सब कुछ हार गया। चलो मोहब्बत हाथ से गई सो गई, लेकिन बच्चा, क्या बच्चे को भी छोड़ दोगे? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। बस बातें और दावे, वही पढ़े लिखे लोग। अरे कितनी नफरत है फैसल की आंखों में तुम्हारे लिए, तुमने देखा नहीं था कल रात? सोचो तुम्हारे लिए इतनी नफरत है तो तुम्हारे बच्चे से वो कितनी मोहब्बत कर सकेगा। हो ना हो तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसे। कल कैसा उसने तुम्हारा गिरेबान पकड़ा, इसी से अंदाजा लगा लो। तुम क्या समझ रहे थे कि कोई नहीं देख रहा? लेकिन पूरा मोहल्ला देख रहा था। मैं वहां तंजीला से मिलने गया था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे तंजीला को या मेरे बच्चे का नुकसान पहुंचे। बल्कि मैं उसे ऐसा कुछ करने नहीं दूंगा। तुमने सुना नहीं, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, और यहां तो मामला दोनों का है। एक तंजीला जिससे वो मोहब्बत करता है, और दूसरे तुम जिससे वो नफरत करता है, यानी मोहब्बत और जंग। लेकिन भाई तुम तो ठहरे पढ़े लिखे शरीफ आदमी। अगर कोई टेढ़ा आदमी होता ना तो कम से कम इन हालात में समझौता नहीं करता। अरे इससे अच्छे तो जाहिल और अनपढ़ लोग हैं जो अपनी गैरत और इज्जत के लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं, कत्ल तक कर देते हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी अपने बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ते। खैर मैंने जो मुशाहिदा किया वो तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी। अच्छा मैं चलती हूं, मेरी थोड़ी कही को ज्यादा समझना। समझ लो कि वहां मैं ही हूं तुम्हारी हमदर्द। खुदा हाफिज। I
आनिया, मामा तुमसे मिलने को दिल चाह रहा था, सुबह आ गई। तुम कहीं जा रही? जी मामा, वो मामा को इस बारे में अगर पता चल गया तो वो नाराज होंगी। नहीं, मुझे अभी इस बारे में मामा को कुछ नहीं बताना चाहिए। आनिया, खामोश क्यों हो गई बेटा? नहीं मामा, वो बस ऐसे। नहीं बेटा, ऐसे तो तुम बात करते करते कभी खामोश नहीं हो सकती। बताओ क्या बात है? मामा, फैसल की एक और बीवी है जिसका नाम सोनिया है। फैसल ने जिससे याददाश्त खोने के बाद दुबई में शादी की थी, और आतिर चाहता है कि फैसल सोनिया को अपना ले और तंजीला को आजाद कर दे, ताकि आतिर दोबारा से उस तंजीला से शादी कर सके। ये बात तुमसे किसने कही? आतिर ने बताया तुम्हें? नहीं मामा, मैंने खुद पता करवाई। आनिया, तुम कहीं फिर से ऐसा वैसा कुछ करने का तो नहीं सोच रही? देखो, मैंने आतिर को बहुत मुश्किल से राजी किया है कि वो तुम्हें अपने साथ रखे। अगर अब तुमने कुछ ऐसा किया ना, तो वो इस बार मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। तो क्या करूं मामा? आतिर को वो सब करने दूं जो वो चाहता है? मामा, मैं उसे इजाजत नहीं दे सकती कि वो दोबारा से तंजीला को इस घर में लेकर आए। आई एम सॉरी मामा, ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी अब तो आतिर को तंजीला की मोहब्बत के इशारे मिलने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? दोनों सच्ची मोहब्बत के दावेदार बने बैठे। एक को तकलीफ होती है तो दूसरे को महसूस होने लगता है। कल आतिर को तंजीला की बहुत फिक्र महसूस हो रही थी तो उससे मिलने चला गया। मैं भी साथ गई थी, लेकिन वहां फैसल ने हंगामा क्रिएट कर दिया, इनकार कर दिया कि तंजीला से नहीं मिल सकते। दोनों आपस में लड़ने लगे। वो तो मैंने छुड़वाया तो बात खत्म हुई है। जो कुछ भी आनिया, आतिर जो भी करे, तुम जो अपने साथ कर रही हो ना, वो बहुत गलत कर रही हो आनिया।